जेडीयू नेता की लिंचिंग पर तेजस्वी ने साधा नीतीश पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। मोहम्मद खलील रिजवी के रूप में पहचाने जाने वाले पीड़ित की 17 फरवरी को अकबरपुर फकरीना गांव में हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद एक पोल्ट्री फार्म में दफना दिया गया था। आरोपी ने शरीर को जल्दी से सड़ने के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। गाय के नाम पर मुस्लिम युवक जो स्वयं जेडीयू का नेता था उसे पीट कर जिंदा जलाकर दफना दिया गया। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, लोग कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। बता दें कि मोहम्मद खलील रिजवी के रूप में पहचाने जाने वाले पीड़ित की 17 फरवरी को अकबरपुर फकरीना गांव में हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद एक पोल्ट्री फार्म में दफना दिया गया था। आरोपी ने शरीर को जल्दी से सड़ने के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया। इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति कैमरे पर यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हिंसक गौरक्षकों ने रिजवी की पीट पीट कर हत्या कर दी है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच पुलिस ने कहा कि 5 साल पहले विपुल कुमार से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3.70 लाख रुपए लेने के आरोप में रिजवी को 17 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था। समस्तीपुर के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद सहबान हबीब फाकरी ने कहा कि हमने वीडियो के आधार पर विपुल कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान उसने दावा किया है कि उसने रिजवी को 5 साल पहले एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए 3.70 लाख रुपए दिए थे। नौकरी वह ना तो पैसे लौटा रहा था और ना ही उसे कोई नौकरी दे। अभियुक्त है, उन पे से पुलिस का ध्यान हट सके तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी तवज्जो ना दे, बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे वायरल ना करे। पुलिस अपने तरफ से पर्याप्त कार्रवाई कर रही है, जो भी लोग इसके पीछे उनको जल्दी हमें पकड़ लें। विपुल ने अपने दोस्तों के साथ मुसरी घरारी थाने के क्षेत्र से रिजवी का अपहरण कर लिया था और उसे पोल्ट्री फार्म में ले गया, जहां उसे बेरहमी से पीटा। उन्होंने उसके शरीर पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। इसके बाद उसे जलने के लिए और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उसके जले हुए शरीर को एक गड्ढे में दबा दिया गया था। आरोपी ने उसके शव को जल्दी से सड़ने के लिए नमक भी डाला गया। आपके हिसाब से ये जो भी हुआ, जेडीयू नेता के लिंचिंग जो हुई, वो किस मुद्दे पर हुई होगी? क्या ये सच में गौरक्षकों का काम था या इसके पीछे कोई आपसी दुश्मनी थी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें।